मुझे इन तमाम आम नागरिकों से, आदरणीय बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, प्यारे बच्चों से, नौजवान दोस्तों से मुखातिब होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साथियों, ये औपचारिकता थी, दिल की बात अभी शुरू नहीं हुई है। दिल की बात वहां से शुरू होती है जहां औपचारिकता खत्म हो जाती है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्लासरूम के गेट के सामने बार बार मैडम सिखाती थी कि अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, बाप रे बाप, इना को सही भाई, इना तो नीतीश जी को सही रहे कि ना। आजकल तो औपचारिकता क्या होती है कि क्लासरूम में जब आप प्रवेश करने लगते हैं तो मैडम सिखाती थी कि बोलो मे आई कम इन मैडम। हम लोग को सीखने में वक्त लगता था तो हम लोग कहते थे मैडम अंदर आ जाए। औपचारिकता चीज ही ऐसी होती है जिसको सीखने में वक्त लगता है, इसीलिए हमने अपने जावत जीवन में सीखा है कि औपचारिकताओं में नहीं फंसना है, सीधे दिल का रिश्ता कायम करना है। और मैं आपके बीच किसी औपचारिकता के सीधे दिल की कुछ बात आपसे कहने के लिए आया। पहली बात तो ये, मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं लखनऊ में आकर के, मधेपुर में आकर के, झंझारपुर में आकर के, बेगूसराय से चल करके यहाँ आपको यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊंगा। ये तो वही बात हो गई ना कि दिया जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप 365 दिन यही रहते हैं, हम तो चुनावी सभा में आए हैं, तो आपका जो दर्द है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, हम नहीं जान सकते हैं ना। आप जब रास्ते से निकलते हैं तो कौन कौन सड़क टूटा हुआ है, किस किस खंभे पे बल्ब नहीं जलता है, कौन कौन अफसर घूस लेता है, कौन कौन घूसखोर अफसर है, कौन मुखिया बढ़िया है, कौन मुखिया खराब है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, आपसे बेहतर हम जानेंगे, नहीं जान सकते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि हम आपके बीच ज्ञान छांटने के लिए नहीं आए हैं। आप सब लोग खुद ही बहुत ज्ञानी लोग हैं और ये मिथिला की पावन धरती है और मिथिला की धरती के बारे में तमाम शास्त्रों में चर्चा है कि ये माता जानकी की जन्मभूमि है। और अगर साहित्य की आप बात करें तो ये महान विद्वान मंडन मिश्र की धरती है। ये वो इलाका है जहाँ की लोक कहानियों में गोनू झा की कहानियां मशहूर हैं। अगर आप साहित्य की चर्चा करेंगे तो ये वो इलाका है जहाँ कविवर विद्यापति का जन्म हुआ। और अगर आप जन आंदोलनों की बात करेंगे, जन कवि की बात करेंगे तो ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस महान धरती को मैं नमन करता हूँ, इसको नमस्कार करता हूँ। आप तमाम सुधीजनों को और मिथिला के लोग जिनके जीवन में मिठास है, पहली बार हम इतना जोर से किसी मैथिल को घुसाते हुए देखे। यहाँ तो लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं तो आधा घंटा के बाद पता चलता है कि लड़ रहे थे दोनों आपस। अब आप बताइए कि बाहर से आकर के, हालांकि मैं बहुत बाहर से नहीं हूँ, हमारा इलाका भी मिथिला में ही आता है और हमारे यहाँ के एक नौजवान देखिए बिहार पुलिस का नौकरी करते हैं, इनका बेगूसराय घर है डंडारी, तो बहुत बाहर से नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश से तो नहीं ही आए हैं क्या। कल जो है, कल हम अभी प्रचार सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश से कोई आने वाला है, कौन आ रहा है, आप मिथिला के लोग बोलिएगा योगी उसको, मिथिला के लोगों को उसको योगी कहने का जरूरत नहीं है। मिथिला के लोग खुद ही धर्म कर्म में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ सिमरिया घाट में कल्पवास मेला लगता है, एक महीना मैथिल लोग जाकर के वहाँ गंगा स्नान करते हैं कार्तिक महीने में और गंगा किनारे रहते हैं। तो आप लोग खुद ही धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, वो योगी है, हर पीला चीज सोना नहीं होता है समझे, और हर भगवा पहना इंसान
इंसान संत नहीं होता है। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखी है और हमने पढ़ा है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, भेड़ और भेड़िया। उस कहानी में हरिशंकर परसाई बताते हैं कि जब चुनाव होने का ऐलान हुआ जंगल में तो सियार बहुत परेशान हो गए। सियार ने कहा भेड़िए को जाकर, ए भाई अब तो चुनाव होगा, अब भेड़ की संख्या ज्यादा है तो ये लोग अपना नेता चुन लेगा तो तुम्हारा राजकाज खत्म। तब लोमड़ी बोला कि घबराओ मत, एक उपाय है, भेड़िया के माथे पे टीका लगा दो और मुंह में घास टांग दो, इससे भेड़ों को ये लगेगा कि भेड़िया शाकाहारी हो गया। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं कि बगल में है गोरखपुर और वो जो मठ है उस मठ का नाम है गोरखधाम और वो जो परंपरा है वो मूर्ति पूजा नहीं करता, ये दर्शन की बात है। और वो एक ऐसा मठ है जहां पे निर्गुण भक्ति की जाती है, सगुण भक्ति नहीं की जाती है। सगुण और निर्गुण का फर्क समझते हैं ना, मिथिला के लोग हैं आप लोग, यहाँ मंडन मिश्र पैदा हुए हैं, शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में आपने हराया है, तो निर्गुण भक्ति होती है। आप मुझे बताइए कि निर्गुण भक्ति करने वाला एक इंसान मारने काटने की बात कर सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा वस्त्र पहना इंसान योगी नहीं होता है। और याद रखिएगा इस बात को कि ये सीता जी की धरती आप कहते हैं तो सीता जी का हरण भी रावण ने साधु का वस्त्र पहन करके किया था, इस बात को याद। और ये बात मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। इधर उधर की बात इसलिए नहीं करनी है कि हमको अपने मुद्दे पे टिका रहना है। लोग आएंगे, चुनाव का वक्त है, आपके सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ेगा लेकिन आपको अपनी पैर अपनी जमीन पे टिकाए रखना है। आपको ये सोचना है कि ये चुनाव जब हो रहा है तो ये इधर उधर के मुद्दे पे नहीं होगा। ये चुनाव अगर होगा, अगर झंझारपुर में हम वोट दे रहे हैं तो हम झंझारपुर के मुद्दे पे वोट देंगे, ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और झंझारपुर का मुद्दा क्या है? झंझारपुर का मुद्दा ये है कि तमाम नेता आए, तमाम वादे करके गए लेकिन झंझारपुर आज भी जिला नहीं बना है। बन गया क्या? नहीं बना ना। झंझारपुर का मुद्दा ये है कि यहाँ पे फैक्ट्रियां खुले, मंत्री भी हो गए आपके इलाके के लेकिन यहाँ फैक्ट्रियों की शुरुआत नहीं हो पाई। और जब हमारे इलाके में रोजगार की संभावना नहीं होती है तो क्या होता है? हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब हम बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे भीतर प्रतिभा है, हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ भी रहे हैं और हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ा भी रहे हैं तो फिर कोचिंग कोटा में क्यों चल रहा है, मधुबनी में क्यों नहीं चल सकता है? ये सवाल मैं आपसे करने के लिए आया, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि बिहारियों के भीतर जब इतनी प्रतिभा है कि देश का सबसे कठिन परीक्षा होता है यूपीएससी और उस यूपीएससी में सबसे ज्यादा बिहारी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगर हमारी प्रतिभा से हम दुनिया में जाकर के अपना नाम कर सकते हैं, अगर केरल की एक बच्ची, बिहार की एक बच्ची केरल में जाकर के टॉप कर सकती है तो आप मुझे बताइए कि बिहारी विद्यार्थी जो ग्वालियर में इंजीनियर बनता है, भोपाल में इंजीनियर बनता है, उसको गुड़गांव में नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो मुजफ्फरपुर में भी नौकरी कर सकता है, मुजफ्फरपुर को भी गुड़गांव बनाया जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है। जब महागठबंधन तैयार हो रहा था तो कई तरह के प्रश्न उछाले गए, प्रश्न उछाला गया ये साहब आपकी पार्टी को बहुत कम सीट मिला है,
हम बोले देखिए क्या है, हाथ है, उंगली बड़ है छोट है, लेकिन ये बड़ उंगली छोट उंगली मिल करके जब एक साथ हो जाता है तो मुट्ठी बन जाता है, ये एकता का प्रतीक होता है। हर किसी की अपनी भूमिका होती है, जैसे गाड़ी में हॉर्न की अपनी भूमिका होती है, स्टीयरिंग की अपनी भूमिका होती है, टायर की अपनी भूमिका होती है, इंजन की अपनी भूमिका होती है। बताइए टायर निकाल दे तो गाड़ी चलेगी, और टायर लगा दे और इंजन निकाल दे तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह से समाज की संरचना तैयार होती है, और समाज की संरचना में हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र ने चाहे अमीर हो या गरीब सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है। जूता कंपनी का मालिक है बाटा, और यहाँ जो आपके चौक पे जूता सीता है आपके गांव का कोई व्यक्ति, दोनों का वोट बराबर है कि नहीं है? चाहे बूढ़ा का वोट हो या नौजवान का वोट हो, बराबर है कि नहीं है? घर में आप भले महिला के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते होंगे, लेकिन महिला का वोट भी एक होता है और पुरुष का वोट भी एक होता है। ये जो बराबरी का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है, इस बराबरी के अधिकार को आज पलटने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किया जा रहा है कि जो देश के धन कुबेर है वो लोकतंत्र को अपनी गुड़बी बना करके रख लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं जब आपके सामने आज खड़ा हूँ तो हमारे सामने दो चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि जब हम 3 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो हम अपने मुद्दों को याद रखें, और हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद, आईटीआई करने के बावजूद, पॉलिटेक्निक करने के बावजूद, टेक्निकल एंड होने के बावजूद हमारे बच्चों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा यह है कि दिन रात किसान खेतों में पसीना बहाता है, और आपके ही इलाके का मामला है ना कि खड़ा फसल था, सरकार ने किसान से बिना पूछे उसके फसल को उखाड़ दिया, नहर खोदना शुरू कर दिया, और किसान को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया। आप देखिए कि लगातार किसानों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार और अन्याय होता है। आप देखिए कि मजदूरों को किस तरीके से मजदूरी नहीं मिलती है। आप देखिए कि समाज में जो कमजोर लोग हैं किस तरीके से धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठना शुरू हो गया है कि सरकार किसी की बन जाए हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। ऐसा बात मन में बैठ गया है कि नहीं बैठ गया है?